फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल अभिमन्यु में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बजटरी ब्लूटूथ हेडसेट्स के, जो कि हैं अर्बन प्रोकस की तरफ से। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको इसका ऑनलाइन रिव्यू बताऊंगा कि कैसी है इनकी साउंड क्वालिटी, और आपको लेने चाहिए कि आपको नहीं लेने चाहिए, क्या ये बेस्ट बाय है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल अभिमन्यु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर उसके साथ ये बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। पहले आपको मैं बॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप सबको। तो बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा फंकी स्पोर्टी लुक में है। तो उसको मैंने अनबॉक्स किया था, पहले खोला था एक्चुअली। इसको मैंने 10 दिन तक इसको मैंने यूज़ किया था, बट आप सबके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो तो बनानी ही थी। तो सबसे असल देखते हैं बॉक्स में हमें क्या एक्स्ट्रा कनेक्ट मिलते हैं। तो ये रखते हैं एक मिनट के लिए साइड पर। तो ये रहे हेडसेट्स, कुछ इस तरह के हैं। यहाँ हमें ब्रांडिंग मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कूल ब्रांडिंग है प्रोकस की। तो अगर आप इस टेक्सचर की बात करें तो ये बिल्कुल ही चीप, बिल्कुल ही 2000 के नहीं लगते हैं, कॉस्टली लगते हैं। ऊपर पूरा हमें रबराइज फील मिल जाएगा, अंदर भी हमें रबराइज जो कुशनिंग है वो मिल जाएंगी, और ये एडजस्टेबल है दोनों ही साइड से। तो यहाँ पे हम अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, और हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का प्लग भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अच्छे हैं, दिखने में काफ़ी कूल हैं, स्पोर्टी हैं। देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। तो और हमें जो मिल रहा है बॉक्स के अंदर वो ये है कि हमें देखते हैं, हमें एक चार्जिंग के लिए हमें एक लीड मिल रही है, ठीक है। और हमें दो एक्स्ट्रा जो है हमें एयर कप्स मिल रहे हैं, कि ये एयर कप जो है हम डिस्टैच भी कर सकते हैं, इससे अलग कर सकते हैं, और हम नए वाले लगा सकते हैं अगर पुराने वाले हमें हमारे गंदे हो जाएँ। बट ये दोनों सेम नहीं है, जो साथ में आते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, और जो साथ में हमें अलग से मिलते हैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे मुझे। और देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर। और हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है प्रोकस अर्बन की तरफ से। हमें एक ऑक्स केबल मिल जाती है कि जब हमारी इसकी बैटरी जो है जब वो ख़त्म हो जाए तो हम इसे वायर्ड बनाकर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। वायर्ड के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें यहाँ पे ये देखिए 2000 रुपये का बिलिंग मिल जाती है हमें, और एक लेटर मिलती है प्रोकस की तरफ से, और एक और बिलिंग है। दोस्तों, इन सब को मैं रखता हूँ साइड पे। अब आते हैं, करते हैं मेन बात कि आपको ये हेडसेट्स लेने चाहिए कि आपको हेडसेट्स नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, इनको मैंने लगभग मैंने 10 दिन तक मैंने इनको यूज़ किया था, और जब मैं से घर पर आए थे तो उसी के 1 घंटे में ही मुझे पता चल गया था कि ये कैसे हैं। सबसे पहले बात आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें बास देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसके अंदर हमें सिर्फ क्लियर साउंड देखने को मिलेगी। इसके अंदर ना बास है ना आपको टेरिबल देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही सिर्फ आपको साउंड देखने को मिलेगी, और बास के बिना म्यूज़िक सुनने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर आपको बास अच्छी लगती है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी जो इसकी खामी है वो ये है कि अगर आप इसमें म्यूज़िक सुन रहे हैं तो इसकी आवाज़ हेडसेट से बाहर सुनाई देती है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें कोई सॉन्ग अभी प्ले करके अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पूरे रूम में जो है, मेरे रूम में चाहे आप कहीं भी बैठे होंगे तो आपको क्लियरली सुनाई देगा कि मेरे हेडसेट्स में कौन सा सॉन्ग चल रहा है। मतलब बिल्कुल ही प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है इसके अंदर। ये इसकी बहुत बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है कि एक्चुअली हेडसेट्स का काम होता ही प्राइवेसी मेंटेन करना है। अगर ये उस चीज़ में फेल होता है तो हेडसेट का मतलब ही क्या हुआ। और दोस्तों, इससे भी यही वर्स्ट चीज़ नहीं है, इससे भी जो वर्स्ट चीज़ है वो है इनकी कस्टमर केयर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम कहते हैं इंडिया में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, वो इससे भी ज़्यादा बेकार है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि वो कितनी बेकार की कस्टमर केयर सर्विस है। जब मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि आपके हेडसेट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि एक मिनी स्पीकर की तरह वर्क कर रहा है, तो आगे से वो मुझे बोलते हैं कि हाँ सर, हमें पता है एंड ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये उनकी ये उनके सभी हेडसेट्स के अंदर है। तो फिर जब मैंने उनको रिटर्न के लिए बोला तो उन्होंने बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल वे से पहली बात तो मुझसे बात की, एंड सेकंड थिंग उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, कहते हैं बिल की पिक भेजिए व्हाट्सएप पे, हेडसेट की पिक भेजिए, एंड देयर आफ्टर उनका जो कहते हैं हमको कॉल बैक करेंगे, बट उनका मुझे कोई भी कॉल बैक नहीं आया है। हार के मैंने उनको कॉल बैक जब की तो मुझे बोलते कि आपको ये खुद अपने पैसे खर्च कर आपको उसको हमें कोरियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको हमें 1000 रुपीज़ आपको हमें और पे करने पड़ेंगे, बिकॉज ये वाले हेडसेट्स जो हैं हम आपको इसका सेकंड पीस नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इनके सभी हेडसेट्स के अंदर आ रहा है।
देखिए इस तरह से डिचार्ज भी हो जाते हैं, मैं जो मैं आपको बता रहा था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये डिफेक्ट है, तो हम आपको ये वाला पीस नहीं देंगे, हम इससे हायर वेरिएंट आपको देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ेंगे। मतलब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट में ये वाला फॉल्ट आ रहा है तो वो मार्केट में ऐसी चीज दे ही क्यों रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबके माइंड में क्वेश्चन बनता है, एंड बिल्कुल ही अनप्रोफेशनलिज्म है इनकी हेडसेट्स में, बिल्कुल ही कस्टमर के वालों को बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल तरीके से कोई बात नहीं, बिल्कुल ही आपको ट्रीट नहीं करते हैं वो, बिल्कुल ही गंदा ट्रीट करते हैं। बिकॉज आगे की मैं 2,000 रुपये दे के मैं फंस चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पैसे वेस्ट हो चुके हैं, तो मैं आपको 1,000 रुपीज़ आपको मैं और पे क्यों करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, तो अगर प्रोकर से कोई सुन रहा है तो प्लीज अपने इस चीज को ठीक कीजिए, बिकॉज अब मैं इनको बिल्कुल ही यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मैं ना इन्हें रिटर्न करा सकता हूँ और ना ही मैं इनको यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें तो किसी भी तरह की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं रही मेरी। दोस्तों आप इसको करते हैं साइड पे और बात करते हैं गिव अवे की। दोस्तों इस हफ्ते जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपनी WWE 2K18 की सीडी का। दोस्तों इसका जो रिजल्ट होगा वो इस संडे को रिलीज होगा शाम, और इसे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि आजकल किस तरह के स्कैम जो है मार्केट में हो रहे हैं। दोस्तों इसका रिजल्ट जो है वो संडे शाम को डिक्लेयर होगा, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।